छोड़ने है, बट है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आपको याद होगा फ्यू डेज बैक हमने एक रिलेशनशिप के बारे में बात की थी कि जो टॉर्क है टाओ जो है इट इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। आपने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को बच्चों रिलेट किया था, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि आपका ये एक्सटर्नल टॉर्क आप अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई करोगे जब, तो उसके एंगुलर मोमेंटम में इतनी चेंज नोटिस की जाएगी या नोट की जाएगी, समथिंग लाइक दैट। आपने किया भी होगा, उस दिन भी ये बात की होगी आपने, आई थिंक टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वहां से कुछ इसको करके डिराइव किया था, क्रॉस आर क्रॉस पी से आई थिंक किया था आपने, है ना बेटा। तो आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एल उसका एंगुलर मोमेंटम है, और आपने उसके ऊपर टॉर्क टाओ लगा दिया, तो टॉर्क लगाने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बदल जाएगा। या आप ऐसे कह लो कि अगर आपके रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज आ रहा है, तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि उसके ऊपर कितनी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रही है। जैसे आपको लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स का कैलकुलेशन हो जाया करता था, आप डीपी बाई डीटी अगर जानते हैं कितना है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, रादर द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ लीनियर मोशन। और अगर आपका मोशन रोटेशनल है बेटा, तो उनके काउंटर पार्ट जो रोटेशनल है वो आप ले लेंगे, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर फोर्स का टॉर्क रहेगा। और अगर आपका डियर चिल्ड्रन आप एक्सटर्नल टॉर्क कोई लगाना ही नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं मैं जी फोर्स या टॉर्क नहीं लगाना चाहता, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाए, अपने आप ही खुल जाए, तो नहीं होगा। बिकॉज जब आप इसको पुट कर दोगे जीरो, आपका डी एल अपॉन डी पी ये जीरो आ जाएगा, और डियर चिल्ड्रन आप इसको डी एल बाई डी टी को ऐसे भी लिख सकते हो रिलेशनशिप को, और डी एल इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेट कर दीजिए, एल आपका जो है ये बेटा कांस्टेंट आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आपके डोर का आपके सिस्टम का इट विल बी कांस्टेंट बेटा। एंगुलर मोमेंटम मैं अगर आपको थोड़ा सा और इस टर्म के साथ इन्वॉल्व करवा लूं डियर, इट इज आई इंटू ओमेगा, कल हमने किया भी था, है ना बेटा। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बात आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह दी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपने फोर्स अप्लाई किया इधर को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी टॉर्क जिससे, और इसका डोर का घूमने का पूरा सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे है इस प्लेस पे है, तो आप ये इसका डिस्टेंस ले सकते हो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास का, और आप अकॉर्डिंगली आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस केस से आपका डोर रोटेट करेगा या सिस्टम रोटेट करेगा, दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। आई जस्ट मीन टू से दैट वंस आई इज इन योर कंट्रोल ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, और इफ ओमेगा इज इन योर कंट्रोल आई कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो एल और इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। और अगर नहीं पता आपको तो आपको दोनों पता होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो बात एक ही है। इस छोटे से कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास बेटे बड़ी एप्लीकेशंस हैं। जैसे सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन से बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपका ये हो गया था दो चार स्टेप्स बेटे छोटे छोटे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा गर्मियों के स्पेशली मौसम में कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से विंड जो है देखने को मिलती है, और
आपने कभी विरल विंड अगर देखा होगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं बनाता हूं, दोबारा बनाता हूं, इस तरीके से ये ऐसे होता है ना। इसकी जो इनर, अगर ये मैं बोल दूं, इसका रफली सेंटर है इस विरल विंड का, राइट बेटा, तो ये इसकी आउटर लेयर्स हैं। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाए, अंदर बड़ी ज्यादा तेज स्पीड होती है एयर की, आपने कभी नोटिस भी किया होगा, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर या डस्ट वगैरह उड़ता रहता है। तो यहाँ आउटर इसके लेयर्स में इतना ज्यादा स्पीड नहीं होता। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस बेटा, तो इट कैन बी ऑल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा समझिएगा बेटा, एल आपका जो है आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई बाहर से पकड़कर एयर को घुमा रहा है, ऐसा तो नहीं है। प्रेशर डिफरेंस हुआ तो कुछ कंडीशंस बन गई और वो अपने आप को रोटेट करने लग गया। आई जस्ट मीन टू से दैट कि हमने एक्सटर्नली कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया, राइट बेटा। इसका मतलब है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा में आपका आई इंटू ओमेगा जो है इट विल स्टे कॉन्स्टेंट बेटा। फिक्स ही हो गया ना ये, नहीं हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में आपका यहां पे जो भी एयर है, एयर का जितना भी मास है, एम मैं कह देता हूं, इसका ये आपके बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर का है एयर का। अब यही एयर जैसे 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 अंदर जाती जाती है, सेंट्रल पॉइंट पर जाकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आर डैश कह दूं, है ना बेटा, और मास को तो भी चेंज कोई आएगा नहीं, मास इट विल बी एम बेटा ओनली। यहां पे आपके सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एल जो है आई इंटू ओमेगा के बराबर है। आई को मैं बच्चों एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। यहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, एंगुलर मोमेंटम आपका कॉन्स्टेंट है। यहां पे आ जाएगा आई डैश ओमेगा डैश, आई डैश को पुत्र मैं क्या लिखूंगा, एम तो बदलेगा नहीं, आर डैश का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब बिकॉज आपका मोमेंटम कंजर्व्ड है, एम आर डैश का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा कर दे पुत्र, क्यों नमन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आपका एम बेटे कैंसिल आउट हो गया और आपको ओमेगा डैश चाहिए था ना। ओमेगा तो आपको पता ही है कि यहां पे कितनी वेलोसिटी, आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर जाकर तेज क्यों हो जाती है, रोटेशन की स्पीड क्यों बढ़ती है। ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई ओमेगा, इसको मैं इधर ले आया, इस तरफ आपके पास आर का स्केयर है ही है, इसको इसके डिनोमिनेटर में मैं ले गया, ऐसे आ गया बेटा, राइट। और बच्चों ओमेगा डैश बाई ओमेगा को मैं आर अपॉन आर डैश का स्केयर कुछ ऐसे लिखूं बेटा। अब जरा देख के बताइए, डायग्राम आर बड़ा है कि आर डैश बड़ा है, आर बड़ा है, इसका मतलब है ये रेशो वन से बड़ी हो गई। अगर कोई भी चीज वन से बड़ी उसका स्केयर तो और बड़ा हो जाएगा, तो इट विल मीन दैट ओमेगा डैश बाई ओमेगा इज मोर देन वन, और आपका ओमेगा डैश विल बी मोर देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए विरल विंड में इनर लेयर्स की इट इज अलार्मिंगली हाई। हमने देखा तो नहीं, मैंने नहीं देखा है, वैसे सुना जरूर है कि काफी टाइम पहले अगर ये विरल विंड नोटिस किए गए जो हैवी 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 ऑब्जेक्ट्स को साथ ही ले जाते थे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम मास that got lifted only on account of this particular pressure difference in the form of this whirl wind, right beta। ye mathematics samajh aa gaya sare bachon ko, chalein ji aage। ek bete aur badi interesting application hai, mathematical content lagbhag same hi rahega, aaiye dekhein। hamara earth sun ke round about elliptical orbit mein revolve karta hai, है ना बेटा। और ये डायग्राम रब कर दूं बेटा,
अर्थ हमारा सन के राउंड अबाउट बेटा एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए एलिप्टिकल ऑर्बिट है और एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपका ये सेंटर, इसका सेंटर ऑफ द एलिप्स बोलते हैं, और आपने शायद कहीं छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, ये आपके माइनर, ये आपके मेजर एक्सिस कहलाते हैं, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने। गुड, तो यहां सेंटर पे सन है और इमेजिन कर लीजिए अर्थ आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल पाथ। अर्थ जब सन के नजदीक आ जाता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है रादर, वो बढ़ जाती है, और जब यहां पे होता है तो कम होती है, जब यहां पे है ज्यादा है, जब यहां पे है तब भी ज्यादा है। यहां पे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कम है, यहां पे ज्यादा है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन और जस्टिफाई दिस बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आइए जरा बात करके देखें इसके बारे में। सबसे पहली बात, अर्थ और सन एक सिस्टम बना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ को किसी ने कहा नहीं भी चल भाई तू रोटेट करी जा, मैं कह रहा हूं तुम रोटेट करी जाओ, यहाँ किसी ने धक्के से इसको पकड़कर नहीं रोटेट करवाया। आप जानते हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है mv स्क्वायर / r के बराबर की, ताकि ये सर्कुलर ट्रैक में, एलिप्टिकल ट्रैक में मूव कर सके। इट विल मीन दैट बेटा आप जब इस सन की और अर्थ की बात करते हैं, ये आपके सेमी मेजर एक्सिस का रेडियस, ये आपके सेमी माइनर एक्सिस का रेडियस आप कह लीजिए, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन, यहां पे ओमेगा टू कह लीजिए, क्योंकि आपका एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट जो कर रहा है वो जीरो है, आपका एल जो है इट विल बी कॉन्स्टेंट बेटा, और आपका जो एल है ये आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है, सो आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू के बराबर आ जाएगा जी बेटे, और आप ओमेगा टू बाई ओमेगा वन निकाल लीजिए, इट विल बी आई वन बाई आई टू, और ओमेगा टू बाई ओमेगा वन, आई वन को बेटे मैं क्या लिखूं, मास ऑफ द अर्थ अगर मैं कैपिटल एम बोल दूं, आई वन विल बी एम आर वन का स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट विल बी एम इंटू आर टू का स्क्वायर, एम आपका कट जाएगा। ओमेगा टू बाई ओमेगा वन आर वन बाई आर टू का बच्चों सारे का स्क्वायर आ गया। डायग्राम से इटसेल्फ क्लियर हो जाता है कि आर वन काफी बड़ा है आर टू के कंपैरेटिवली, तो आपका रेशियो विल बी मोर देन वन बेटा, और आप कह सकते हैं ओमेगा टू बाई ओमेगा वन ये रेशियो वन से बड़ा है, स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो अदिति ओमेगा टू विल बी मोर देन ओमेगा वन, ठीक है जी। सो ऑन दिस बेसिस आप कह सकते हैं कि आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ जब ये सन के नजदीक होता है तो ज्यादा होता है, और जब ये ज्यादा डिस्टेंस पे है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कम है। क्लियर बेटा? एक दो और एप्लीकेशंस हैं, छोटी छोटी मिलती जुलती हैं, आपको कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए देखें, सर्कस शायद आपने कभी देखी हो, वैसे तो आजकल कोई देखता नहीं है, टीवी ने उसको रिप्लेस कर दिया है, हमने भी नहीं देखी है वैसे तो। सर्कस में सुना है कि सर्कस एक्रोबैट्स स्पेशल नेम असाइन किया गया है पर्संस को, देखा है? गुड गुड गुड। तो इमेजिन कर लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है रादर,
कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है इस तरीके से। इस प्लेटफॉर्म पे सर्कस एक्रोबैट्स आई थिंक कुछ इस तरीके से पर्सन्स को बोलते हैं, जो ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा रह गया, चलिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स हैं, रोटेट कर रहा है ये टेबल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ओमेगा है। लेट मी रीड्रॉ दिस बेटा, आई थिंक आप नहीं समझ नहीं पाए हैं। ये एक रोटेटिंग टेबल है, जैसे टेबल को किसी मोटर के साथ अटैच किया होगा, या मे बी फ्री टू रोटेट होगा, कुछ इनिशियली कुछ देकर इसको वेलोसिटी लीव कर दिया होगा। ये कोई पर्सन है बेटा ये, ठीक है, जो सर्किस में अपने फीट्स दिखाते हैं, अपने करतब दिखाते हैं। ये आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स हैं इस पर्सन के, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है ओमेगा के बराबर है। अब ये पर्सन अगर अपने हैंड्स को बेटा फोल्ड कर लेते हैं तो इनकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। और सेकंड केस में उसने, पर्सन ने अपने हैंड्स को अपनी बॉडी के साथ स्टिक कर लिया, फोल्ड कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश जो है दैट विल बिकम मोर इन कंपैरिजन टू ओमेगा फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज आपका टॉर्क कोई एक्ट नहीं कर रहा था, एल दैट वाज कांस्टेंट बेटा, एल आपका आई इनटू ओमेगा होता है, इट इज कांस्टेंट। व्हेन द हैंड्स आर आउट स्ट्रेच्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन आप कह सकते हैं, जब अपनी बॉडी के साथ उन्होंने अपने हैंड्स टच कर लिए तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टू के बराबर रह गया, इसको आप ओमेगा वन ओमेगा टू कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको ओमेगा टू चाहिए कि ओमेगा टू ओमेगा वन कैसे, आइए जी आइए, हाँ जी सेवन, एक मिनट, कौन सा कह रहे थे, हाँ जी सेवन है। सो बेटा जब आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स हैं, ओमेगा वन आई वन जब हैंड्स बॉडी के साथ स्टिक कर गए हैं, आई टू एंड ओमेगा टू, वही एक्सप्लेनेशन आप स्टेप्स खुद कंप्लीट करिएगा, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन, आई वन बाई आई टू बेटे, और आई वन में आपका देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन, एम मास ऑफ द पर्सन एंड आर वन का स्क्वायर एंड आर टू का स्क्वायर, ओमेगा टू बाई ओमेगा वन मोर देन वन, ओमेगा टू इज मोर देन ओमेगा वन, राइट बेटे। कई बार वो ऐसे कह देते हैं कि एक पर्सन है उसने अपने हैंड्स में वेट्स होल्ड किए हुए हैं, इसी के जैसे बना देते हैं, इसको डायग्राम को रब कर दूं मैं बेटा, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा। एक रोटेटिंग टेबल है, रोटेटिंग टेबल पर कोई पर्सन अपने हैंड्स में वेट पकड़कर खड़े हैं, ये कोई पर्सन है मान लीजिए, और उसने 5 किलोग्राम का इधर और 5 किलोग्राम का स्लॉटेड वेट इधर पकड़ा हुआ है, 10 किलोग्राम टोटल हो गया, टेबल रोटेट कर रहा है। अदिति कुछ कहना चाहती है, नहीं, फिर इस पर्सन ने क्या किया, अपने हैंड जो आउट स्ट्रेच थे उनको फोल्ड कर लिया, उस केस में भी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। इस केस में देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा है, जब ये हैंड्स को फोल्ड कर लेंगे तो डिस्टेंस बच्चों कम हो जाएगा,
आपका स्टेप्स जो है वो सेम रह जाएंगे, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। राइट बेटा, हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा है ना बेटा, उसके दो प्रोपेलर्स होते हैं। प्रोपेलर्स मींस कि ये जो उसके रोटेटिंग ब्लेड्स दो होते हैं लगे हुए, प्रोपेलर्स दो होते हैं। दो प्रोपेलर्स की क्या वजह है, एक से क्या काम नहीं चलता, वो तो काफी रोटेट तेजी से करता है। अगर एक ही प्रोपेलर हो तो क्या दिक्कत है? Anyone from your side? हाँ जी, दो ब्लेड्स हैं उसके, दोनों ब्लेड्स का पर्पस है कि एयर का कुछ प्रेशर मेंटेन करना, कम करना, ताकि आपका वो जो हेलीकॉप्टर है वो अपलिफ्ट हो जाए एंड अकॉर्डिंगली मूव कर जाए। जब एक प्रोपेलर तेजी से रोटेट कर रहा है तो भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर डिफरेंस में भी कम हो जाएगा, बट प्रेशर तो बना ही पाएगा, वो कम कर पाएगा ना, तो एक ही उन्हें यूज कर लेते हैं। हाँ जी, बोलिए। नहीं बेटे, ये हेलीकॉप्टर है ना, इसके ऊपर ऐसे दो लगे होते हैं, एक ब्लेड इधर एक इधर, ऐसे 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 जो रोटेट करते हैं ऐसे ही है ऐसे। वहां पे एक से काम अगर चलता है तो इतना खर्चा क्यों करना, तेल तो पहले ही महंगा है। क्या कहते हो, एक को रोटेट करने में इंजन का कम पावर लगेगा, दो को रोटेट करने में ज्यादा लगेगा ना, तो ऐसा क्यों बेटा? सुनिएगा जरा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर बनाने की, जैसा बनेगा आप देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना, अब ऐसा ही है बस। ठीक है जी, मान लीजिए ये दो प्रोपेलर्स हैं कुछ इस तरीके से। जब ये इन एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट रोटेट करते हैं दोनों प्रोपेलर्स इस तरीके से, ठीक है जी, तो एंगुलर मोमेंटम एल कंजर्व करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। अगर एक ही प्रोपेलर होगा तो जब एक प्रोपेलर, मान लीजिए ये दो नहीं है, एक ही प्रोपेलर है, जब ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम एल जो क्रिएट हुआ उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो बॉडी ऑफ द हेलीकॉप्टर है इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। कभी आपने वो एक्शन मूवीज में देखा होगा कि एक अगर इसका प्रोपेलर टूट गया तो वो नीचे से रोटेट कर जाता है, गिर जाता है, अपनी डायरेक्शन से वो डिस्टर्ब हो जाता है और गिर जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उन केसेस में क्या है, अगर दो प्रोपेलर नहीं है, एक ही है, एक प्रोपेलर है, तो बेटे देखिएगा एल इज इक्वल टू आई इन टू ओमेगा है, इसका आई भी है ओमेगा भी है। जब ये आपने स्टार्ट नहीं किया था एल जीरो था, जब आपने स्टार्ट कर दिया एल अब जीरो नहीं है, इस पार्ट का एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया, लेकिन इस एंगुलर मोमेंटम जो क्रिएट हुआ है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जीरो था, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऑल्दो दिस इज वेरी हैवी, ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं रहेगा। जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है ये उससे उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इसको याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात और है, स्पेस क्राफ्ट, जैसे हम देखते हैं हमारा स्कूटर एक्टिवा गाड़ी कार बस ट्रक, इनमें स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर बैठते हैं ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। और जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कोई ऐसे स्टीयरिंग नहीं होता बेटा, तो फिर उसकी डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना बेटा। उस केस में क्या है, ये मान लीजिए स्पेस क्राफ्ट है, ये कोशिश कर रहा हूं मैं ड्रॉ करने की, स्पेस क्राफ्ट आपका स्पेस में जा रहा है, काफी स्पीड से जा रहा होगा, और लेट अस इमेजिन कि इधर जा रहा है, इसकी रिजिड बॉडी के बिल्कुल बाहर आउटर सरफेस पे, जैसे ये रूम है आप अंदर बैठे हैं, बाहर छत के ऊपर अगर ये सिंगल फ्लोर हो तो
ऊपर एक ना फ्लाई व्हील बेटे लगा रहता है, ऐसे एक व्हील लगा रहता है, इसका कंट्रोल अंदर बैठे पर्सन के पास होता है। अगर वो इसको व्हील को इस तरफ रोटेट कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो क्रिएट हुआ है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो बॉडी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट है वो हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर जाएगा। ठीक है जी, फिर से सुनिएगा, स्पेसक्राफ्ट इधर जा रहा है, उन्होंने इधर मोड़ना है, तो वो अपने फ्लाई व्हील को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉडी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा टिल्ट कर जाएगा। सो इन दिस वे स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर ज्यादा चेंज करना हो तो आप थोड़ा ज्यादा तेजी से घुमा दीजिए इसको, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट चेंज आ जाएगा डायरेक्शन में। सो इन दिस वे द डायरेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड इन द केस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। राइट बेटा, तो ये फ्यू एप्लीकेशंस हैं बेटा, इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा जरूर, और इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल कई बार बहुत बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आ जाया करता है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने देखिए बाहर आपके व्हीकल्स खड़े हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, सिंपल साइकिल भी है। साइकिल का अगले वाला ना पिछले वाला व्हील हमने उतार लिया, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फिक्स करके रोटेट कर दिया, आप पंचर लगवाने गए हैं वो ऐसे रोटेट करके देखते हैं, या नया टायर आप उसके ऊपर करवाने गए हैं वो उसको कुछ किसी चीज में ऐसे पकड़कर रोटेट करते हैं, मे बी ऐसे या मे बी वर्टिकल भी करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिम जो है उसका आयरन का बना होगा या स्टील का बना होगा, रिम के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर 250-250 ग्राम के दो मैग्नेट्स अटैच कर दिए गए रिम के ऊपर। अब वो सिस्टम रोटेट कर रहा है आपका, तेजी से रोटेट कर रहा है, फिर क्या किया गया उनको उनके मूवमेंट के दौरान ही उठा लिया गया, या वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा था, 250-250 ग्राम के दो मैग्नेट्स अटैच कर दिए गए, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या आप लोगों ने मैकेनिकल इंजन्स देखे होंगे बेटा, आपने इंजन्स जो आपके जनरेटर सेट्स के ऊपर लगे होते हैं उनके साइड पर एक फ्लाई व्हील लगा रहता है, फ्लाई व्हील आपने देखा है कि नहीं पहले ये बताइए, फ्लाई व्हील नहीं देखा, फ्लाई व्हील आपने, फ्लाई व्हील नहीं देखा आपने, कैसा होता है? हाँ घुमाते ही हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। हैं जो क्या करते हैं, हाँ, कोई भी सुनिए बेटा, सिंपल मैकेनिकल इंजन है या एक सिंपल मशीन लगा लीजिए। अब ये जैसे हमारे व्हीकल्स खड़े हैं, ये आपके साइकिल का रिम है मान लीजिएगा, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है, एक्सल है, ये छोटी छोटी यहाँ पे वायर्स लगी रहती हैं, ठीक है जी, ऐसे होता है ना, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हैवी होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हैवी होता है, और अगर आपका व्हीकल साइकिल नहीं है कुछ और है, मोटरसाइकिल है, तो ये थोड़ा सा और हैवी हो जाएगा, ठीक है, कोई कार वगैरह है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, कोई ट्रक वगैरह है तो और हो जाएगा, डबल भी हो जाता है, कोई मैकेनिकल इंजन है तो ये पूरे का पूरा आयरन का बना होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाली पट्टी बड़ी वाइड होती है, यहाँ पे ज्यादा मास कंसंट्रेटेड होता है। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई द फ्लाई व्हील इज हैविंग मोर मास अटैच ऑन द आउटर रिम बेटा, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके फ्लाई व्हील के मोशन को एक बेटे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है भाई, जितना मास ज्यादा होगा आपका, देखिए ये आर तो उतना है ही है, और आपका आई एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, जब ज्यादा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेगा तो इसका मोशन स्मूथ रहेगा बेटा, ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, टिल्ट नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इनको एक बार पढ़िएगा, वो थ्योरम हमारा स्टार्ट नहीं कर पाए आज हम, फिर वो कल करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि कल फ्राइडे है कि सैटरडे,
कल होगा नहीं खत्म, फिर एक पीरियड का रह जाएगा।